अब हम बात करेंगे मीन राशि वालों के बारे में। लास्ट राशि है ये, लास्ट राशिफल इस सीरीज का। नवंबर 2021 के बारे में बात करेंगे मीन राशि वालों के लिए। और जैसा कि हमने यहाँ पे आपके लिए कैप्शन लिखा है कि जानिए आप एक और नया प्रेम आपके जीवन में आ सकता है, कौन है ये, क्या आप इनके लिए तैयार हैं, इनके बारे में भी बात करते हैं। तो और साथ में जो है बात करेंगे आपके लिए आपके हेल्थ, एजुकेशन, करियर, फाइनेंस, लव, मैरिज, फ्रेंडशिप, फैमिली, ट्रेवल और अंत में कैप्शन की बात जरूर करेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले आपके हेल्थ के सेक्शन से। देखिए भाई, हेल्थ के मामले में ऐसा है कि आप जो है बढ़िया हेल्थ आपकी रहेगी इस बार, लेकिन जैसे मौसम चेंज होता है, जैसे जैसे पानी का टेम्परेचर चेंज होगा आने वाले टाइम में, वैसे वैसे जो है आपकी जो है स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बढ़ने की उम्मीद है। लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पर। वैसे आप खुश रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा, लेकिन थोड़ा सा प्रिकॉशन आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। और नवंबर का महीना है, एसी वगैरह तो चलाने का कोई सेंस बनता नहीं है इस टाइम में, तो थोड़ा सा ध्यान रखें, राइट। और आपकी जो स्ट्रेस लेवल है उसको थोड़ा सा मैनेज आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारे पास में एजुकेशन, कि आपकी पढ़ाई लिखाई के मामले में क्या होने जा रहा है। पढ़ाई लिखाई के मामले में भाई ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा सा ध्यान यहाँ पर भटका हुआ है, और कोई चिंता हो सकती है, कोई स्ट्रेस हो सकती है, हो सकता है कि भाई साल एंड होने जा रहा है और मतलब कुछ खास कुछ हासिल हुआ नहीं अभी तक, ये चिंता हो सकती है, या ये चिंता हो सकती है कि भाई क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो थोड़ी सी दुविधा यहाँ पर नज़र आ रही है। लेकिन आप इस दुविधा को जरूर आप पार कर लेंगे टाइम रहते हुए, और 10-11 तारीख के आसपास आपका फोकस दोबारा से पढ़ाई पर वापस आ जाएगा। ये फेस्टिवल्स का महीना है, इसकी वजह भी हो सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास में आपके लिए करियर, कि करियर के मामले में क्या हो रहा है। तो करियर के मामले में भाई ऐसा है कि आप उदारवादी हैं, आप काइंड हार्टेड हैं, मर्सीफुल हैं और जो है रिच हैं। न यहाँ पर जो एक दूसरी चीज़ जो यहाँ पर आपके कार्यस्थल पर लग रही है कि कुछ लोग जबरदस्ती से आपसे झगड़ा भी कर सकते हैं। और बाकी जो मीन राशि वालों के लिए अभी ये जो टाइम है, अगर आपकी चंद्र राशि भी मीन राशि है, 2022 में शनि की 7.5 लगेगी जिनकी जो है चंद्र राशि है, तो उसका बिल्डअप अभी तो खैर नहीं होगा, लेकिन इन दुष्ट लोगों से आपको सावधान रहना जरूर पड़ेगा, ठीक है। और ये जो दुष्ट लोग हैं आपके कार्यस्थल पर, इनके जैसे नहीं बनना है, इनसे डील करना सीखना है। ध्यान रखिए इनकी वजह से अपनी पर्सनैलिटी चेंज मत कीजिए, ठीक है। और अगर ये दुष्ट लोग कितना भी आपको प्रवोक करें, आप जो है बिल्कुल भी इनके ट्रैप में मत फंसिएगा, राइट। इनको आप इनको जो बोलना है उनको बोलने दीजिएगा, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और अपना वर्थनेस को ध्यान में रखते हुए हमेशा जो है थोड़ा सा लो प्रोफाइल मेंटेन करेंगे तो भी आप इनसे पीछे छुटकारा आपको मिल जाएगा। ऐसे लोगों का जो सबसे सही जो इलाज होता है वो ये होता है कि आप उनको इग्नोर करो, राइट। उनको रॉयल इग्नोर करो, उनको इग्नोर करो, बिल्कुल वो आप पे ध्यान देना बंद कर देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास में फाइनेंस का मामला, रुपए पैसे के मामले में, चाहे आपके विरोधी कितना भी आपके जो है खिलाफ हों कार्यस्थल पर, लेकिन आपकी जो फाइनेंशियल यात्रा है, जो आपकी पैसे की यात्रा है, वो उसको नहीं रोक पाएंगे, उस पर कुछ भी असर उनका नहीं पड़ेगा, ठीक है। बाकी आप लो प्रोफाइल मेंटेन करके चलेंगे थोड़े टाइम के लिए तो ठीक रहेगा, लेकिन अगर आपका खुद का भी बिजनेस है तो उसमें आपको फायदा मिलेगा और जो है मतलब एक अच्छा खासा पैसा आपके पास आने की उम्मीद है। और अगर आप दूसरों के लिए भी काम करते हो या आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं तो उनसे भी रिजल्ट आपको बढ़िया मिलने की पूरी संभावना है। और इस महीना, ये महीना जो है कोई नया स्टार्टअप शुरू करने के लिए भी अच्छा महीना बिल्कुल माना जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कार्यस्थल पर दुष्ट हैं तो उनको बिल्कुल अपना जो है शांत रहिएगा, क्योंकि उनकी वजह से आपको कोई भी पैसे का नुकसान नहीं हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है आपके लिए लव का मामला, कि भाई प्यार मोहब्बत के मामले में क्या हो रहा है। तो प्यार मोहब्बत के मामले में भाई ऐसा है कि प्रेम मिलने की तो उम्मीद है इस बार, और अगर आप
कुछ ही अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो आपको जो है उसको आप बिल्कुल उसको आप जो है सील कर देंगे या उसको आप बोलेंगे कि भाई हाँ भाई मैं इस पर एग्री करता हूँ और ये एग्री करती हूँ और उस रिलेशनशिप को आगे लेकर के जाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली ये कुछ ही रिलेशनशिप आपके अभी हाल ही में शुरू हुए होंगे और एक ही रिलेशनशिप है। जिन लोगों के पास कोई रिलेशनशिप नहीं है उनके लिए भी गुड न्यूज़ है, तो वो हम बाद में बात करते हैं कैप्शन के सेक्शन में, ठीक है। फिलहाल अभी बात करते हैं आपकी शादीशुदा ज़िंदगी की। शादीशुदा ज़िंदगी में कोई झगड़ा नहीं हो रहा, कोई लड़ाई नहीं हो रही, कोई मनमुटाव भी नहीं है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी नहीं है, तो बढ़िया तरीके से आपसी मेलजोल से जो है यहाँ पर ज़िंदगी की कहानी आगे बढ़ रही है। कोई भी यहाँ पर दिक्कत आपको नहीं लग रही किसी भी प्रकार की, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं आपके लिए फ्रेंडशिप के, भाई यारी दोस्ती के मामले में कैसा होगा। तो हमेशा बोलता हूँ कि जो मीन राशि के लोग हैं वो यारी दोस्ती के आउटर सर्कल पर होते हैं, वो इनर सर्कल में नहीं होते, वो आउटर सर्कल में होते हैं और वो उतने ही इन्वॉल्व होते हैं उन सर्कल्स में जितना ज़रूरी है, और गैर ज़रूरी जो इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं करते। तो एक तरीके से बढ़िया जो है ये महीना आपकी दोस्ती के हिसाब से जाने वाला है, जिसमें ना आपको नुकसान होगा ना आपको फायदा होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके लिए फैमिली परिवार के बारे में। परिवार में हो सकता है पहले से ही कोई खटपट चल रही हो, है ना, घर के बड़े बुजुर्ग थोड़ा सा जो है उनकी सेहत भी थोड़ा सा दिक्कत दे रही हो, लेकिन जो है कुल मिला करके वही बात यह है कि अगर आप कुछ इन लोगों को समझाओगे कि भाई आपस में लड़ना ठीक नहीं है, वो आपसे नहीं लड़ रहे, वो अपने वो जो है एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, यानी कि वो आपके साथ नहीं लड़ रहे हैं बट एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, तो उनको जो है आप समझा पाओगे और सब संभालने में जो है दिक्कत तो नहीं होगी, लेकिन समझा पाने में ज़रूर सफल होंगे आप, ठीक है। तो फैमिली का माहौल जो है वो आप ठीक ठाक कर लेंगे और ये फेस्टिवल के टाइम से ही ठीक ठाक हो जाएगा, और 10 और ये 7-8 तारीख के आसपास तो ये बिल्कुल बहुत ही बढ़िया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके लिए ट्रैवल की, यात्राओं के विषय में क्या होने जा रहा है। यात्राओं के विषय में कुछ फ़ायदे की तो चीज़ लगनी रही है यात्रा, और अगर आप कहीं भी जा रहे हो तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई इन यात्राओं में कष्ट भी होने की उम्मीद है, तो थोड़ा सा जो है आपको केयरफुली जाना पड़ेगा। जहाँ कहीं पर भी किसी भी कंट्री में आप जा रहे हो वहाँ की गाइडलाइन का आप पालन करें, जिस किसी भी प्लेस पर जा रहे हो हमारे भारत में भी वहाँ पर भी जो है आप बिल्कुल जो है गाइडलाइन का पालन अवश्य करें, जो भी गाइडलाइन है अभी के हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके लिए आपके कैप्शन की, कि भाई कैप्शन में अब ये कौन है जो एक ये नया प्रेम आपके जीवन में एंटर होना चाहता है या प्रवेश करना चाहता है या आना चाहता है, ठीक है जी। तो अब हम बात करते हैं, देखो भाई ये हैं हमारे पास में 3 महान लोग जो आपके जीवन में प्रवेश कर सकते हैं एट दिस पॉइंट इन टाइम अभी के हिसाब से। पहले हैं कन्या राशि के लोग, जो कि जिस किसी के साथ अटैच होते हैं उसकी जो है उसकी धुनी रमा लेते हैं, उसका ही नाम रटते हैं, उसका ही नाम जपते हैं हमेशा, और काफ़ी डूब जाते हैं वो प्रेम के अंदर। दूसरे हैं स्कॉर्पियो, जो कि चमकते हुए सितारे हैं, जो कि रोमांस के किंग्स एंड क्वींस हैं, अगर उन्होंने आपसे दिल लगाया तो बिल्कुल जो है वो आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। और इन्हीं 2 में से, और बल्कि एक और हैं ये टॉरस, वृषभ राशि के लोग, ये तो एक्सेलेंट मैच में से माना गया है, ओके, ये एक एक्सेलेंट मैच में से माना गया है, और ये जो है जो टॉरस वृषभ राशि के लोग हैं ये भी आपकी तरफ खासे आकर्षित होंगे इस बार। तो 3 राशि के लोग हैं, एक है टॉरस वृषभ, एक है वर्गो कन्या और एक है स्कॉर्पियो। मैं इनके आपको फर्स्ट लेटर के नाम भी बता देता हूँ, तो वृषभ जो है वो ई ए ओ वी वो भू से शुरू होंगे, और जो कन्या राशि के हैं वो टी पी एस एन पी पो ऐसे शुरू होंगे, और ये जो वृश्चिक राशि के लोग हैं इनके नाम टी एन और वाई से शुरू होंगे, वाई और या ऐसे शुरू होंगे। तो ये लोग जो है भाई आपके जीवन में एक नया प्रेम एंटर होने की पूरी पूरी उम्मीद है, पूरे पूरे आसार बन रहे हैं। जाने से पहले कुछ और चीज़ें आपको बता देते हैं,
ठीक है, आपको जो है यहाँ पर अच्छा जो है सितारों की तरफ से अच्छा आपको सहयोग मिल रहा है, और कोई भी डिस्टरबेंस होगा और किसी भी प्रकार का स्ट्रेस लेवल होगा उसको आप अच्छे ढंग से मैनेज करेंगे आप इस बार। और ये जो भी नया प्रेम आपके जीवन में आ रहा है या आना चाहता है या आ सकता है, इसका आप स्वागत करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच इंडीड, एंड हमारा चैनल आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच इंडीड, एंड गॉड ब्लेस यू।